For our teaching learning process and assessment, we will be understanding in these series of lessons or presentations. Okay, so Google Classroom's are related. Series of presentations or in this is part one. Okay, so let us understand and make use of this particular platform that is Google Classroom. Very first part which we are going to study in this particular presentation is create. That is, कि हम एक न्यू गूगल क्लासरूम क्रिएट करेंगे ऑल्सो हम थोड़ा कस्टमाइज करेंगे अपेन्ट्स को एज पर नीड ऑफ दैट गूगल क्लासरूम जैसे कि हम अपने क्लासरूम में किस तरह से थोड़े चेंजेस करते हैं सिमिलरली दिस सॉफ्टवेयर जो गूगल क्लासरूम का है उसमें अगर हमें कोई क्लासरूम में चेंजेस चाहिए तो उसको कस्टमाइज करेंगे एंड ये सेटिंग्स पे वर्क करेंगे सो लेट इस क्विकली गो एंड अंडरस्टैंड की हाउ टू क्रिएट अ गूगल क्लासरूम

टू मच टू सर्च फॉर आप इस क्लासरूम के आइकॉन को स्क्रोल करके यहाँ पे जहां पे भी आपको रखना है वहां पे आप रख सकते हैं प्लेस कर सकते हैं सो नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको इजीली ये गूगल क्लासरूम मिल जाएगा सो आई हैव प्लेस्ड ओवर हियर चॉइस इज योर्स आपको जहाँ पे भी गूगल क्लासरूम प्लेस करना है या जैसे भी है वहीं पे रखना है कंप्लीटली ओके ठीक है सो यहाँ पे लेटेस्ट वर्क

कि कोई दूसरे टीचर एज अ स्टूडेंट आप एज ए स्टूडेंट उनकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल्सो इनवाइट करते हैं तो देर आर वेरियस वेज टू ज्वाइन तो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं एंड बिकॉज देर इज नो क्लास रूम इन दिस पर्टिकुलर पेज इसलिए ये दिखाई दे रहा है एस सोन एज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर क्लासेस ये यहाँ से हट जाएगा तो राइट नाउ यू कैन वर्क ओवर हियर क्रिएट क्लास यहाँ से कर सकते हो या फिर हमेशा जस्ट ध्यान रखिए दिस प्लस आइकन इज फॉर क्रिएट और जॉइन अ क्लास फाइन तो अभी एक ये साइड और देख लेते हैं दिस इज द मेन मेन्यू ऑफ गूगल क्लासरूम ठीक है तो आप जितनी भी क्लासेस ये बनाएंगे ये पेज इस पेज पे आपकी सारी क्लासेस दिखेगी फाइन क्योंकि इट्स तो नॉट कि यू आर ओनली हैविंग वन क्लास जैसे स्कूल्स में बहुत सारी क्लासरूम्स होते हैं सिमिलरली यू कैन हैव योर ओन डिफरेंट क्लासेस फाइन ऑल्सो मेन मेन्यू में थोड़े से और चीजें हैं वेरी फर्स्ट इज क्लासेस आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे ये एग्जैक्टली exactly इस पेज पे लेके आएगा हाउ

तो उसके लिए कहाँ जाना है ये वेरी राइट दिस प्लस आईकॉन क्लिक ऑन इट सो इट करनी है की आपको क्रिएट करनी है तो सिंस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास एज अ टीचर लेटेस्ट क्रिएट अ क्लास पे क्लिक करते हैं हम As soon as soon you एज सुन एज यू क्लिक यू विल गेट दीज डिटेल जस्ट फोट accept it and continue पे क्लिक करिए जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया ये क्रिएट क्लास से रिलेटेड डिटेल्स मांग रहा है कि वेरी फर्स्ट और जो रिक्वायर्ड है इसको देना ही है आपको क्लास नेम देना है सो योर चॉइस आप आपके क्लास का एज पर योर सब्जेक्ट नेम दे सकते हो विच एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव टू योर क्लास यू कैन गिव ठीक है बिकॉज यू आर अ टीचर ठीक है तो अभी राइट नाउ सिंस आई नीड टू राइट सो आई एम राइटिंग माई नेम एज अ टीचर फाइन

ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद नाउ जस्ट टेक केयर कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे जो लिखा है वो हमेशा फिक्स हो जाएगा इट्स नॉट लाइक दैट आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो ये सारी डिटेल्स का सो डो नॉट वरी कि जो लिख दिया है वो हमेशा रहेगा इट्स नॉट गूगल क्लासरूम इज गिविंग दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी कि आप इसमें जो लिखा है इनिशियल स्टेज पे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं फाइन तो अब हम ये सारी डिटेल्स लिखती है अब क्रिएट पे क्लिक करते हैं so let's create our google classroom so this is now going to make sure that it google classroom will provide us with this particular platform that is full google classroom ये 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 सब आ रहा है 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 आपका जिसके बारे में हम coming videos में हम पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है अभी अस सी कि ये जो पूरा गूगल क्लासरूम है इस तरह से दिखाई देगा आपकी हर गूगल क्लासरूम ऐसे ही दिखाई देगी एंड ऑल्सो सी ओवर मेन मेन्यू हमेशा दिखाई देगा फाइन सो दिस इज योर गूगल क्लास रूम एंड इफ यू सी हो गई है दिस इज योर क्लास कोड अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले पे तो सी आपका क्लास कोड इतने बड़े फॉन्ट में दिखाई देगा विच यू कैन मेक यूज ऑफ टू इन्वाइट योर स्टूडेंट्स अभी मैं ये क्लोज कर रही हूँ हाउ टू इन्वाइट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में देखेंगे फाइन सो so यहाँ पे ये जो है ये जो हेडर है If you feel कि यार ये जो picture दे रखा है इट इज नॉट ओके फॉर यू ठीक है यू फील की कुछ चेंजेस लाना है तो हम कस्टम कर सकते हैं so, है, जो इनके पास ऑलरेडी है या फिर अगर आपको कोई अपना फोटो अपलोड करना है वो भी अपॉर्चुनिटी गूगल क्लासरूम आपको देता है सो राइट नाउ लेट इज गो टू सेलेक्ट फोटो एंड वी विल चेंज दिस पर्टिकुलर पिक्चर ओके या इमेज so so many choices are over here general may if you see these are the choices then english history may choices hai, as per the subjects math science arts sports and others so these are the various choices given by google classroom ready-made choices hai. you don't have to upload or do anything you can directly select it okay so let us go in general and for this let us right now select this particular thing that is this image okay सो नाउ दिस वी आर सेलेक्टिंग सो देखिए क्लिक हो गया है एंड एस एज यू सेलेक्ट यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन सेलेक्ट क्लास थीम पे क्लिक करिए सी आपका पिक्चर चेंज हो गया है इस पर्टिकुलर हेडर का इमेज चेंज हो गया है ऑल्सो आपको कलर जो है वो चेंज करना है तो यू कैन चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट ठीक है सो राइट नाउ इफ यू विश यू वॉन्ट ग्रीन सो जस्ट पुट इट ग्रीन सो देखिए पीछे क्लास कोड का भी कलर चेंज हो गया है फाइन सो so, सारा करने के बाद मेक श्योर दैट यू सेव सेव इट तो पे save जो लिखा है उस पे क्लिक कर दीजिए तो ये सेव हो गया सी पूरा इमेज चेंज हो गया एंड दिस इज वॉट वी हैव कस्टमाइज फाइन सो दिस इज अ अस्टमाइज एरिया और यहाँ पे इफ यू सी दिस एरिया व्यू क्लास इन्फॉर्मेशन अभी हमें सिर्फ यही दिख रहा है कि क्लास नेम और पर्टिकुलर सेक्शन क्या है क्लिक करती हूँ देती है वो नहीं चाहिए तो जस्ट हाइट क्लास इन्फॉर्मेशन इफ दिस इज सफिशियंट फॉर यू यू कैन डू इट ठीक है सो वॉट वी स्टडी टिल नाउ इज क्रिएट एज वेल एज कस्टमाइज लेट इज मूव टू वर्ड से आइकन फॉर सेटिंग्स बाई यहाँ पे क्लिक करिए आप

डू क्लिक दिस सेव नहीं क्लिक करेंगे तो वो सेव नहीं होगा फाइन लेट इज मूव अहेड डाउन ठीक है जनरल में देखते हैं इनविटेशन कोड ठीक है code, तो ये इनवाइट कोड में लिंक भी है सो यू कैन कॉपी दिस लिंक एंड सेंड इट ठीक है टू योर स्टूडेंट्स और क्लास कोड भी आप डायरेक्टली दे सकते हो अगर डिस्प्ले क्लास कोड पे क्लिक करेंगे तो सिमिलरली बड़े फॉन्ट में ये क्लास कोड दिखेगा फाइन ऑल्सो इफ यू सी ओवर हियर राइट नाउ योर क्लास कोड इज टर्न ऑन इसलिए आपको ये इनवाइट क्लास कोड एंड ये व्यू दिख रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि नाउ यू डोंट एनी मोर स्टूडेंट टू बी ज्वाइनिंग दिस क्लास रूम तो आप टर्न ऑफ कर देंगे उसी नथिंग इज विजिबल रिलेटेड टू क्लास कोड और इन्वाइट क्योंकि ये टर्न ऑफ कर दिया किसी को इन्वाइट नहीं भेजना है सो दिस फीचर यू कैन यूज इफ एस पर योर नीड लेट मी नाउ टर्न ऑन तो ये मैंने टर्न ऑन कर दिया है फाइन तो अब यू सी राइट नाउ जस्ट प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर डिस्प्ले क्लास कोड में सी ये जो है क्लास कोड ऐसा दिखाई दे रहा है दैट इज ओ एल फाइव एफ ई एम यू ठीक है इफ आई वांट टू रीसेट दिस क्लास कोड मुझे चेंज करना है क्लास कोड बिकॉज ऑफ एनी रीजन सो अगेन क्लिक ओवर हियर यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करिए ठीक है एज सोन एज यू डू दिस देखिए आपका क्लास कोड चेंज हो चुका है क्लास कोड चेंज हुआ है पीछे देखिए यहाँ पे इनवाइट लिंक में भी जो ये क्लास कोड है वो जो नया वाला है वो आ गया है सो दिस कैन बी डन टू रीसेट योर क्लास कोड ऑल्सो लेट इस मूव टूवर्ड स्ट्रीम ना दिस इज योर गूगल क्लासरूम तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है एज ए टीचर की वॉट यू वॉन्ट स्टूडेंट्स टू डू इन दिस गूगल क्लास सो आउट ऑफ दीज थ्री कि स्टूडेंट पोस्ट so, भी कर सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं खाली कमेंट कर सकते हैं स्ट्रीम पे या फिर टीचर ही खाली पोस्ट एंड कमेंट कर सकते चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स यू कैन सेलेक्ट एज पर योर नीट राइट ना आई एम सेलेक्टिंग स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट फाइन ऑल्सो क्लास स्ट्रीम जो है आपकी कैसी दिखाई देनी चाहिए मीट right जो आप प्लीज एक्सप्लोर करिए एंड ऑल्सो वी कैन वर्क ऑन ग्रेडिंग जब भी हम असाइनमेंट देंगे उसके ग्रेड देंगे तो किस तरह से ग्रेड देना देने कैटेगरीज करनी है दैट यू कैन अंडरस्टैंड ठीक है तो दिस ऑल बेसिक रिलेटेड टू टू द सेटिंग्स वी डू इन गूगल ठीक है? जो भी चेंजेस अगेन, इनिशियली सिर्फ बी एड था नाउ इट इज एस वाई बी syb8 फाइन ऑल्सो इफ यू सी सेमेस्टर फोर भी दिखाई दे रहा है सो दिस इज वॉट इज की जैसे ही आपने जो सेटिंग्स में चेंज किया वो सेटिंग्स चेंज हो गई ऑल्सो क्लास को चेंज किया वो भी चेंज हो गया फाइन सो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन रिलेटेड टू गूगल क्लासरूम ओपन कैसे करते हैं ठीक है अभी क्विकली हम देखते हैं मेन मेन्यू में जाके ये हमारा मेन पेज है क्लासरूम का ठीक है अब मुझे ये क्लासरूम से बाहर जाना है तो वट आई डू इज आई क्लिक ओवर हियर आई क्लिक ऑन क्लासेस ठीक है ये क्लासरूम बंद हो जाएगा ठीक है देखिए ये क्लास आपका बंद हो गया यहाँ पे आ गया एक छोटे से बॉक्स में ठीक है दिस आईकन अबाउट ग्रेड्स डायरेक्टली ये जितने भी जो आपने दिए होंगे आपको और येटेड है सो दिस इज योर क्लास रूम सो लेट एस वाइंड अप टूडे क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा सो इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन वॉट वी स्टड इट इज नथिंग बट

inviting people so that we'll be seeing in the coming video till then thank you and